हेलो दोस्तों मेरा नाम है विवेक और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडीज एमसी को तो जैसे सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा होगा फिजिकल एजुकेशन का सेक्शन सी है टाइप के तो क्वेश्चन को एमसीक्यूज को दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखेगा आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों द साइक्लिक फिक्चर इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग पार्टिसिपेटिंग टीम्स पर्टिकुलर मैनर सो so that each team gets a chance to compete with another team in sufficient time sagun has appointed as a technical official in 11 team league tournament so he has to prepare a cyclic fixture of matches तो ये दोस्तों हमने पूरा केस जो इसमें लिखा हुआ हमने पढ़ लिया है अब इसके रिलेटेड दोस्तों हमसे नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाउ मेनी राउंड विल बी देयर इन द दिक्चर तो दोस्तों यहाँ पे और नंबर ऑफ टीम है क्योंकि दोस्तों इलेवन टीम है यहाँ पे तो इलेवन टीम अगर दोस्तों यहाँ पे तो नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मला क्या होगा दोस्तों नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मुला इसमें होगा एन और एन का यहाँ मतलब क्या है तो एन का मतलब दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ टीम्स तो नंबर ऑफ टीम्स दोस्तों कितनी है हमारी तो नंबर ऑफ टीम्स दोस्तों हमारे इलेवन तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे द टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन मतलब दोस्तों ये पूरे कॉम्पिटिशन में मतलब दोस्तों ये जो इलेवन टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है लीग टूर्नामेंट में उसमें दोस्तों नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे तो नंबर ऑफ मैचेस दोस्तों हम एन ब्रेकेट में एन माइनस वन बाई टू तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पे हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे इलेवन माइनस वन कितना हो जाएगा दोस्तों टेन बाई टू तो इसको सोल्व कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों इसको सोल्व करने पर आ जाएगा दोस्तों हमारा वन हंड्रेड इसको काट देंगे तो कितना दोस्तों सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू गिव इन द फिक्चर मतलब दोस्तों जो सगुन है उसको दोस्तों इस पिक्चर में कितनी बाइस देनी है ए इलेवन बी ट्वेंटी वन सी टेन डी फाइव

दूसरा नाम हंच बैक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर पेरेंट्स ऑफ तुषार दे हैव नोटिस्ड तुषार इज फिजिकली वीक दे डिसाइडेड दे विल विजिट स्पेशलिस्ट टू कंडक्ट अ फिटनेस टेस्ट फॉर हिम तो ये हमने दोस्तों पूरा केस पढ़ लिया है अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर तुसार मतलब दोस्तों कौन सा टेस्ट तुषार के लिए ठीक नहीं रहेगा उसके लिए सुटेबल नहीं रहेगा ए मॉडिफाइड पुशअप्स बी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप सी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डी फोर इंटू टेन सटल रन

तो ये दोस्तों हमने पूरा केस पढ़ लिया है अब दोस्तों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज मतलब दोस्तों न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका दूसरा नाम क्या है ए लॉ ऑफ रिएक्शन बी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन सी लॉ ऑफ मोमेंटम डी लॉ ऑफ इनर्शिया तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लॉ ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड फोर्स मतलब दोस्तों मास एंड फोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ए बोथ डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी नो रिलेशनशिप तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज एमसीक्यूज को आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और दोस्तों हमने डेडिकेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें दोस्तों आपके फिजिकल एजुकेशन में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म वन एग्जामिनेशन में उन सभी चैप्टर्स के दोस्तों हमने डेडिकेटेड सभी चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है अगर आपको दोस्तों उस प्ले को देखना हो तो उसका लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो एक एक चैप्टर को दोस्तों अगर आप उसमें से देख लेते हैं तो दोस्तों आपको तरीका पता चल जाएगा कि केस बेस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट स्टेट्यूड विद